आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, अभी हम लोग पिंडी से निकले हैं और पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं अभी पिंडी में ही, और हम लोग लेट हो गए हैं और ये हमारा फैमिली टूर है, बहुत दिनों बाद अरसे बाद हम लोगों ने जो प्लान किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को मैं अपडेट्स देती रहूँगी। ये मेरी सिस्टर सोलो टूर कर रही है अपने दो बच्चों के साथ। हेलो, कश्मीर में मिलते हैं। आयुष, लुक एट मी, आयुष कौन कर रही है, कला बस सही पैसा, बस सही पैसा, इस जितने इस टूर के लिए पैसे इकट्ठे हुए ना इससे बंदा बड़ टूर कर ले। वैसे लूटा है हमें इस टूर पे। जा सकी हो गए पागल तेरी यादों में हो चले आओ पहाड़ों की कसम। हम लोग अभी धुलाई पहुंचे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। हम लोगों का सबसे पहला जो स्टे है वो यहाँ पे है धुलाई पे, धुलाई है या धुलाई है जो भी है, खैर एनी वेज छोटो जी। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। इसके बाद फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और हमारा इसके बाद जो स्टे है वो शारदा का है। क्या रहा आपका सफ़र अभी तक का? जबरदस्त। ऊंचा बोल ले थोड़ा। जबरदस्त। अच्छा, आपका? और मुझे वॉमिटिंग हुई इतनी ज़्यादा। और ये हमारी कोस्टर खड़ी हुई है बाहर जिसमें हम लोग आए हैं। हाँ जी, तो हमारा नाश्ता आ गया। ये आलू की भुजिया है, यहाँ पे कश्मीर में यही मिलता है। ये पराठे हैं और ये चने हैं और ये समथिंग भूकर ये बैठे हैं खाना नाश्ता करने के लिए। हम लोगों का ये फर्स्ट स्टॉप है धानी वाटरफॉल, और यहाँ का जो पानी है बारिश की वजह से थोड़ा ब्राउन हो गया तो उसको अवॉइड कीजिएगा, तो वरना इसका पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से इसका पानी थोड़ा गंदा हुआ है। एनी वेज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है ये, तो फर्स्ट डे हमारा यहाँ पर था। हेलो, ये सारे उधर नीचे ही बैठेंगे। ये देखिए हम लोग धानी वाटरफॉल आए हुए थे, तो बस अभी हम लोग ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, हम लोगों ने वापस जाना है। और ये जो है ये अपनी बेबी को खिला रही है ये देसी स्टाइल में ब्रेड और साथ में दूध, ये पीछे सारे है ये। हम लोगों ने धानी वाटरफॉल देख लिया था, अब हम यहाँ पे एलओसी पे आए हैं। ये मकबूजा कश्मीर है, इधर से मैं सारा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये बदतमीज़ जो इंडिया वाले हैं उन्होंने अपना झंडा लगाया हुआ है हमारे कश्मीर में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एनीवेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है ये मकबूजा कश्मीर है सारा, और वो आप लोगों को दूर से नज़र आ रहा होगा वो इंडिया वालों ने अपना झंडा ठोका हुआ है वहाँ पर। वैसे ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे ये इंडिया वालों का कश्मीर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये सारा पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पे एलओसी भी आए हुए थे और ये ओनली है इन्होंने, और इसका टेस्ट कोई कुछ खास नहीं है यहाँ पे। मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं कर रही, लेकिन मतलब कश्मीर में आगे इतनी अच्छी खास कोई चीज़ मिलेगी नहीं है, तो आप लोगों को भी पता है। हेलो इसे, हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग को दुआओं में याद कर लो। ओके, फाइनली हम लोग शारदा पहुंच चुके थे, आज हमारा स्टे यहाँ पे है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ, जो रूम भी रूम से जो व्यू है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और टेरेस का व्यू है ये। और इसका पानी भी थोड़ा सा गंदा है बारिश की वजह से, वैसे ये पानी साफ़ होता है बिल्कुल, तो थोड़ा सा ब्राउन हुआ है।
ये हम लोग जहाँ पे होटल में आए हैं, ये इनका बैक पोर्शन है और इन्होंने ये घर बनाया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये इनकी दो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं और ये यहाँ पे व्यू है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि लोग ऐसे भी रहते हैं, मीन्स कि इतने सादा तरीके से लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने लकड़ी का घर बनाया हुआ है, एक किचन है छोटा सा और ऐसे बस। ये हमारे होटल का व्यू है यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। जो स्टे था वो शाहदरा में था और बस हम लोग आए हैं यहाँ की, चेंज किया है, थोड़ा रेस्ट किया है और यहाँ पे सर्दी है। आप लोगों को भी शॉल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे सर्दी है। और अभी हम लोग बस डिनर करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें 8:30 का टाइम दिया था कि डिनर जो है वो 8:30 बजे रेडी हो जाएगा, आप लोगों ने वहाँ पर बस पहुँच जाना है। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद तो हम लोगों ने सोना ही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट है। कल से हम लोगों के प्रॉपर डेज घूमने वाले स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर व्लॉग्स होंगे। आज बस थोड़ा हेक्टिक डे था, थोड़ा थकावट वाला था, तो इस वजह से बस अब डिनर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर रेस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मेरे, आपको मुखड़े से फेस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या हालत हो रही है। सीरियसली स्टमक बस कहते हैं ना फटी पड़ी है बस। और अभी बोन फायर था, बोन फायर से अभी ऊपर आए हैं और बस अभी मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई हूँ और अब मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि हमें सुबह अल्टीमेट मिला है कि 7:30 बजे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। तो बस अभी मैं सोने लगी हूँ ताकि सुबह जो है वो फ्रेश उड़े। और टूर पे तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आपकी नींद पूरी हो जाए, तो बस अच्छी बात यही है कि मुझे अब सोना चाहिए। और जाते जाते मैं आपको बाहर का विज़िट भी करवाती हूँ, बाहर क्या व्यू चल रहा है मेरे रूम से बाहर। अभी भी मोन फायर है, वो कोई और टूर वाले आए हुए हैं, वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आज का दिन ज़रा हैक्टिक था, इंशाल्लाह मैं कल से प्रॉपर व्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। टाइम जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा फॉग हुई भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी भी यहाँ पे एक टूर आया हुआ था, वो यहाँ पे अपना बोन फायर कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। वो जो लकड़ियाँ मुझी भी हैं वहाँ हम लोग बैठे थे, बस हम लोगों ने अपना फिनिश कर दिया था। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की। एनीवेज़ अल्लाह हाफिज़ गाइस।